सो वेलकम बैक। अभी जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दिस इज अबाउट टिप्स ऑफ द नेल्स, जो टिप्स हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशंस बनाने के लिए। तो पूरा डिटेल में मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी कि कैसे और कौन से टिप्स हमें लेने चाहिए। मार्केट में बहुत तरह के टिप्स अवेलेबल है, और कलर वाइज अगर हम देखें तो इसमें नेचुरल कलर भी अवेलेबल है, वाइट कलर्स भी अवेलेबल है, प्रिंटेड भी अवेलेबल है, और क्लियर भी अवेलेबल है। क्लियर में भी दो तरह के अवेलेबल हैं, एक तो एकदम ही क्लियर दैट इज़ ट्रांसपेरेंट, और एक होता है फ्रॉस्टेड। तो वन बाय वन मैं आपको पहले यहाँ पे बताऊंगी कि कौन से वाले टिप्स हमें लेने चाहिए और कौन से वाले हमें अवॉइड करने चाहिए। नंबर वन, हमें लेने चाहिए फाइबर के टिप्स। फाइबर के टिप्स ऐसे बेंडेबल होते हैं जो ऐसे मोड़ने पे मुड़ जाते हैं। प्लास्टिक के जो टिप्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं और वो टूट जाते हैं। प्लास्टिक के टिप्स इसलिए अवॉइड करने हैं कि अगर नेल बिल्ड किया है उसके ऊपर और कहीं अगर नेल टकराता है तो वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वो ब्रिटल होता है। फाइबर का नेल अगर कहीं टकराएगा तो वो पहले मुड़ेगा, उसकी जो ब्रेकिंग पॉइंट है वहां तक वो मुड़ेगा और बाद में जाके वो टूटेगा। सो क्लाइंट को इसमें हर्ट कम होगा। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि स्माइल लाइन और विदाउट स्माइल लाइन वाले नेल्स के टिप्स कैसे होते हैं। नंबर वन, आई विल स्टार्ट विथ विदाउट स्माइल लाइन। विदाउट स्माइल लाइन के जो टिप्स होते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इसको दूर लेती हूँ, सो यू कैन सी। ओके, कैन यू मेक द डिफरेंस, मेक आउट द डिफरेंस। देखिए यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे स्टेप आता है, एक स्टेप होता है, और ये जो स्टेप का स्माइल लाइन है यहाँ पे, दिस स्टेप विल अलाइन विथ योर नेचुरल नेल स्माइल लाइन। आपका जो नेल है उसके यहाँ पे ये अलाइन होगा, यानी ये स्टेप जो है उसका डिफरेंस है, उसका हाइट है आपके नेल के जितना सी। अगर साइड से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक स्माइल लाइन दिखेगा, ठीक है। ये आपको अपने नेचुरल नेल के साथ अलाइन करना है, ठीक है। सो ये नेल बैठेगा जब भी, इट विल बी लाइक दिस। नाउ द नेक्स्ट नेल विच आई एम गोइंग टू शो यू इज ऑलरेडी विद अ स्माइल लाइन, ठीक है। यहाँ पे स्माइल लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट है, यहाँ से ये स्ट्रेट है, और ये वाला जो नेल है दिस इज विद द स्माइल लाइन। कैन यू सी द स्माइल लाइन? सो ये जो स्माइल लाइन का स्टेप है, ओके, ये स्टेप वाला नेल है अलॉन्ग विद द स्माइल लाइन। तो ये जो स्माइल लाइन है ये आपके नेचुरल नेल की स्माइल लाइन के साथ अलाइन होगा, ओके। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। नाउ दिस नेल इज जस्ट द टिप्स, ये फ्रेंच टिप्स कहा जाता है इसे। फ्रेंच नेल्स जब भी करने हैं तो आप डायरेक्टली ये टिप को ग्लू से लगा दीजिए नेचुरल नेल के स्माइल लाइन के ऊपर ही, एंड देन आप उसके ऊपर जेल से बिल्ड कर सकते हो और बाद में इसे कट करके निकाल सकते हो। दिस नेल इज ऑल्सो विद द स्माइल लाइन, बट इसमें स्टेप नहीं है, दिस इज डायरेक्ट स्टिकिंग। यू कैन जस्ट अप्लाई लिटिल ग्लू एंड डायरेक्टली स्टिक ऑन द नेल दिस वे हियर। यहाँ पे हम इसे स्टिक कर देंगे और फिर थोड़ा सा बफ करके हम उसके ऊपर बिल्डिंग करना शुरू कर देंगे। सी, कैन यू सी, दिस इज फ्रॉस्टेड, ये फ्रॉस्टेड नेल है एंड ये क्लियर ट्रांसपेरेंट नेल है, ये डिफरेंस है इसमें। दिस इज अगेन स्माइल लाइन बट विदाउट अ स्टेप। सो इसमें स्टेप नहीं है, सिर्फ स्माइल लाइन है। इसे भी डायरेक्टली यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू करना है 2 mm की दूरी से, एंड देन इसके ऊपर बिल्डिंग स्टार्ट करना है। दिस इज ऑल्सो विदाउट स्टेप स्माइल लाइन, ठीक है। सो ये तरह के नेल्स अवेलेबल है मार्केट में, और भी बहुत तरह के हैं। कलर्स में अगर आप देखोगे, सो दिस इज अ नेचुरल कलर नेचुरल नेल्स के लिए, दिस इज वाइट कलर फॉर फ्रेंच टिप्स, दिस इज ऑल्सो वाइट कलर फॉर फ्रेंच टिप्स, ठीक है। एंड देन वन मोर नेल आई विल बी शोइंग यू विच इज कॉल्ड एज अ प्रैक्टिस नेल। प्रैक्टिस नेल जो प्रैक्टिस टिप्स होते हैं उसमें इस तरह से यहाँ पे ऐसे दो ऐसे, सी देयर इज समथिंग टू बी फिक्स्ड इनसाइड। तो ये हम हमारे नेल्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते, बट इसका एक ऐसे स्टैंड अवेलेबल होता है, ये स्टैंड के ऊपर हमें ऐसे लगा देना है और उसके ऊपर फिर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं नेल आर्ट की या नेल एक्सटेंशन की। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रैक्टिस टिप्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिप्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। प्रिंटेड टिप्स भी अवेलेबल है, आप प्रिंटेड टिप्स भी ले सकते हो। प्रिंटेड टिप्स को लगाना है इस तरह से, दिस वे, यहाँ से प्रिंटेड टिप्स लगा दिया, उसको थोड़ा सा हल्का सा बफ करना है, ध्यान में रखना है कि प्रिंट चला नहीं जाए, वेरी लाइट बफिंग, और फिर उसके ऊपर आप जेल या एक्रेलिक से बिल्ड कर सकते हो या पॉली जेल से भी बिल्ड करके नेल्स बना सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिप्स व्हाट आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक।